हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के संगी। रीमा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार माही सेक्टर अधिकारी खातिर चुनाव के प्रशिक्षण के कार्यक्रम कीनगा जोने माही पंचायत चुनाव की तीसर चरण माही शामिल होए वाले विकास खंड सिरमौर जबाउते उथरमा तैनात होए वाले सेक्टर अधिकारी के साथ है। नगर परिषदन खातिर पहल चरण में होए वाले मऊगंज हनमना उन्नईगढ़ी के सेक्टर के अधिकारी का ही प्रशिक्षण दीनगा। वहीं प्रशिक्षण में कहागा कि सलगे सेक्टर के अधिकारी अपने मतदान केंद्रन के घूम घूम के जायजा लें और प्रतिवेदन दें। नगरीय निकाय चुनाव के पहल चरण में मतदान में कड़ी सुरक्षा खातिर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक स्ट्रांग रूम माही और मतदान केंद्रन में घूम घूम के जायजा लेन। अपने को बताया दी कि नगरीय निकाय चुनाव के पहल चरण 6 जुलाई का हुई और एक खातिर नगर परिषद हनमना मऊगंज और नईगढ़ी माही मतदान करावा जाई। कलेक्टर मनोज पुष्प के संगे पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन तीनहू नगर परिषदन के घूम घूम के जायजा लेन और प्रबंधन खातिर निर्देश दीन। बहुत लंबा समय रहेगा और उसके लिए टीम अरे बात करी थे मऊगंज के, जहाँ के पुलिस बलात्कार और चाकू लहराए वाले तीन ठे बदमाशन का गिरफ्तार कैल ही में। अपना को बता दी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश के बाद मऊगंज के थाना प्रभारी श्वेता मौर्या या कार्रवाई करी जोने माही बलात्कार के मामला माही जितेंद्र उर्फ मोहित मिश्रा रत्नेश्वर मिश्रा उर्फ अंकित मिश्रा का मऊगंज जिला पुलिस मात्र 24 घंटा के अंदर पकड़ के कोर्ट में पेश करी। परसों देर रात थाना मऊगंज में एक परिजनों ने आके बताया कि उनकी बच्ची को दो लोग बाइक से लेके गए हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल, चूँकि बच्ची नाबालिग थी इसलिए तत्काल उस पर 363 का मामला पंजीबद्ध करते हुए जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल करने के दौरान में पता चला कि पास के ही पैपखार क्षेत्र के दो लड़के अंकित मिश्रा और मोहित मिश्रा के द्वारा उस बच्ची का अपहरण किया गया है। और जब ये सूचना मिलने के बाद में तत्काल घेराबंदी करते हुए पहले उसके मित्र को उठाया गया, उसके माध्यम से उन दोनों तक पहुंचा गया, बच्ची की दस्तयाबी की गई। रीमा के गंगेयों से एक ठे बहुत अजीब जानकारी आवल्ला ही भाई। अपना को बता दे कि यहाँ सरपंची माही हार से खिसियाने सरपंच सड़क का ही ट्रैक्टर से जोती डारिन। अपना को बता दे कि सरपंच चंदमणि त्रिपाठी अपने सरपंची माही अपने पट्टा के जमीन माही सड़क बनवाए रहे, पंचवर्षीय माही चुनाव हार गए जेके बाद वो ट्रैक्टर लेके सलगी सड़क का ही जोत डालिन। अपना को बता दें कि गांव वाले मनिकवार पहुंच के शिकायत दर्ज करवाई नहीं बे, जहां प्रशासन उनका समझाइश दे ही नहीं बे। और बात करी रीमा के, ता एमपीपीएससी के लापता के पोस्टर रीमा में जगह जगह लगाए गए। हम अपना का बता दें कि पोस्टर नाराज विद्यार्थी चपकाई नहीं बे। एक साथ है लोगन से यह अपील की जा लाही बै कि वो नोटा माही वोट डाला। अपना को बता दी कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 माही होई वाली देरी के कारण छात्र परेशान हुआ जोने खातिर विरोध शुरू हुई गा को लेकर के है। सर, ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन है वो एमपीपीएससी को लेकर के है, जो पिछले 4 सालों से भर्ती रुकी है। सर, ये जो हमारा 2019 का एग्जाम हुआ है वो 19 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 20 में हम लोगों ने इसका क्लियरेंस दिया था और 21 में जब कोरोना काल लगा हुआ था तो उस टाइम पे हम लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए भी हम लोगों ने मेंस का एग्ज़ाम दिया था और जिसका रिजल्ट जो है तो 2021 में आया था, अभी दिसंबर में, और मेंस रिजल्ट आए हुए अभी 7 महीने हो गए हैं
ना तो हमारी तरफ आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल को अपने जजमेंट में कहा था कि रोस्टर प्रक्रिया को जो पुरानी जो अभी नई है उसको निरस्त करके पुरानी वाली प्रक्रिया से जो है तो आयोग भर्ती को कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन अभी तक आयोग द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हाँ सर, किस लिए आपका आज प्रोटेस्ट हुआ है? हमारा प्रदर्शन है, ये MPPSC 2019 को लेकर के है, साथ ही MPSI व्यापम और पटवारी की भर्तियाँ जो सरकार द्वारा लगातार नज़रअंदाज की जा रही है उसको लेकर के आज प्रोटेस्ट निकाला गया है। सरकार द्वारा पिछले 5 सालों से भर्तियाँ नहीं की जा रही और जो भर्तियाँ की गई हैं वो अभी तक लगातार लगती हैं। तो हमारी मांग सरकार और आयोग से ये है कि शीघ्र अतिशीघ्र उसके विषय में कोई निर्णय लें और छात्रों के भविष्य को। क्या नाम है आपका और किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? सॉरी, जैसे हम सब जानते हैं कि 2019 से अभी तक वैकेंसीज जो आ चुकी हैं लेकिन उस पर हम लोग कोई भी कैपेबल नहीं हो पा रहे कि हमारी वैकेंसीज हम लोग फुलफिल कर पाए। फिर उन सब के लिए हम लोग का प्रोटेस्ट है। तो हम लोग चाह रहे जो OBC आरक्षण का जो मामला अभी तक रुका हुआ है वो पूरा होकर हमारी वैकेंसी कम्प्लीट किया जाए। तो तैयारी के दौरान आपको कौन सी समस्याएँ आ रही हैं अभी? सर, अभी हम लोग को जैसे हम लोग गर्ल्स होने के नाते हम लोग के पास कुछ बहुत सारे होते हैं कि जैसे हम लोग के पास फैमिली प्रेशर होता है, बहुत सारी लड़की जो इतनी दूर से सफ़र करके आ रही होती है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैनेज करना पड़ता है। बट स्टिल हम लोग एस्पिरेंट हैं तो हम लोग मैनेज कर रहे हैं। बट जब सरकार अगर अपना अच्छा रोल करेगी तो हम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो सरकार की तरफ से आपकी क्या मांग है? कि सरकार हम लोग को है जो वैकेंसीज को कम्प्लीट कराए, जो अभी OBC आरक्षण हम लोग का बंद हो रहा है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पास, तो उसको सरकार हम लोग को ओवरकम करके हम लोग को वैकेंसीज प्रोवाइड करे और ये सब कम्प्लीट करें हम लोग। भैया बहनी आज खाते रहते हैं बघेली में खबर खातिर, देखा थ्री मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।